अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट की हुई प्लाज्मा फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम बुक को फॉलो कर रहे हैं वो है एफएफ चैन। चैप्टर वन स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है इंट्रोडक्शन। और जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं वो डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा, साहा इक्वेशन, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर 1D एंड 2D। देन उसके बाद हमारे पास जो लेक्चर नंबर 4-5 होगा वो होगा डिबाई शील्डिंग और प्लाज्मा पैरामीटर। तो उसके बाद हमारे पास दो लेक्चर्स रह गए हैं, क्राइटेरिया फॉर प्लाज्मा और प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर 1, 1 to 9। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमारे पास दो टॉपिक हैं, डिबाई शील्डिंग और प्लाज्मा पैरामीटर्स, जो कि एक्चुअल में एक दूसरे से ही रिलेटेड है। लेक्चर है 5, टॉपिक है डिबाई शील्डिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस टॉपिक में फ़ाइंड आउट क्या करना है, ताकि हमारा एक कंसेप्ट बन जाए और उसके बाद हमें चीज़ों को समझना आसान हो जाए और आप लोगों को पता लग जाए कि बेसिकली हमें इस पूरे टॉपिक में क्या चीज़ें फ़ाइंड आउट करनी है। बेसिकली हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। जैसे हमें पता है कि फ्री स्पेस में, जैसे कोई भी एयर वगैरह होती है, ऑर्डिनरी गैस की बात करें तो उसमें हमें पता है कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल हमारे पास फ्री स्पेस में होता है 1/4πε0Q/x। ये चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कि पोटेंशियल की ये वैल्यू होती है फ्री स्पेस में। यहाँ पे अगर हम देखो, हम यहाँ पे पोटेंशियल को हर जगह, पोटेंशियल की जगह 5 वर्ड यूज़ करेंगे। इट मींस कि हम पोटेंशियल को 5 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो जहाँ भी 5 लिखा होगा इट मींस कि वो पोटेंशियल ही है। तो यहाँ पे मैंने वी को सबसे पहले 5 से रिप्लेस किया, तो पोटेंशियल क्या होता है इन फ्री स्पेस, ये। अब इसका बात का क्या मतलब है कि हमारे पास एक चार्ज है, प्लस क्यू, ठीक है। और उस चार्ज की वजह से अगर हम किसी भी डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल एक्स पे कर रहा होता है ना, एक्स डिस्टेंस पे, आप कि यहाँ 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 किसी भी डिस्टेंस पे अगर आपने पोटेंशियल देखना हो तो वो हमारे पास क्या है, ये चीज़। मींस कि पोटेंशियल आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। सेम इसी तरह जब एक चार्ज है और उस चार्ज के आप डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड आउट, जिस तरह हमने फ्री स्पेस में किया था, सेम प्लाज्मा में भी हमें एक चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पे या किसी भी डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो एक चीज़ तो हमें ये पोटेंशियल फाइंड करना है। सेम इस तरह जैसे इधर एक पोटेंशियल की वैल्यू थी, सेम इधर भी कोई ना कोई एक चार्ज होगा। चार्ज की वजह से एक किसी भी डिस्टेंस एक्स पे कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, वो चीज़ हमें फाइंड करनी है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, जिसके नेम पे टॉपिक है डिबाई शील्डिंग, तो डिबाई लेंथ भी होती है जिसको हम लैम्डा डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा डी की क्या वैल्यू होगी डिबाई लेंथ, वो चीज़ हमें फ़ाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें, एक पता लगी, एक हमें क्या करना है पोटेंशियल फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें डिबाई लेंथ फाइंड करनी है। डिबाई शील्डिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डिबाई शील्डिंग बेसिकली। अच्छा, होता क्या है कि हमारे पास एक प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, पूरी प्लाज्मा है। प्लाज्मा में मैं एक चार्ज पार्टिकल जब इंसर्ट करूँगी, ठीक है, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या होगा, प्लाज्मा में मेरे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइंस होते हैं, साथ में क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं इधर, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो पूरी भरी हुई है आइंस से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रल पार्टिकल से। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर एक चार्ज इंसर्ट किया, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आके, सारे नहीं बताती हूँ कितने, वो यहाँ पे आके सारे जो हैं इसके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे, इर्द गिर्द जमा हो गए, जमघटा बना लेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लाज्मा के सारे यहाँ पे इकट्ठे होंगे वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जितना इस चार्ज का क्या है, मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल मैंने ये चार्ज जो है वो 2 कूलम का प्रोवाइड किया है, इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 कूलम तक ही यहाँ पे आके सारे जमा हो जाएंगे, सिर्फ 2 कूलम तक, ठीक है। और दूसरा आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, एक तो ये कि जितने चार्जेस आएंगे वो इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होंगे, दूसरी बात आप ये समझ सकते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स उतने आएंगे जितने हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जितने ये प्लस क्यू चार्ज है उतने ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ताकि हमारे पास इन दोनों की जो है वो डेंसिटी इक्वल हो सके और चार्ज जो है ओवरऑल न्यूट्रल हो सके, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इसके गिर्द क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जब ये सारे जमा हो जाते हैं तो ये देखो ऐसे एक स्फीयर सा बना देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिबाई स्फीयर। अभी तक मैं आप लोगों को कंसेप्ट दे रही हूँ कि बेसिकली डिबाई शील्डिंग में होता क्या है, डिटेल में भी पढ़ेंगे इन चीज़ों को, ठीक है। अब टॉपिक हमारा क्या है, डिबाई शील्डिंग।
अब देखो जैसे इन्होंने स्फेयर बना दिया तो ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे इन्होंने एक प्रोटेक्शन सी बना रही हो, क्योंकि शील्डिंग का मतलब ही क्या होता है, प्रोटेक्शन। तो ऐसे लगता है जैसे इन्होंने एक शील्डिंग सी बना रही हो, ठीक है, प्रोटेक्शन टाइप। अब ये बनने से होता क्या है कि हमारे पास ये जो चार्ज है और ये जो जो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए हैं, उन्होंने एक जो डिवाइस स्फेयर बना दिया है। अब क्या होगा कि यहाँ तक हमें जो हमने ये चार्ज इंसर्ट किया है, इसका पोटेंशियल जो है ना वो हमें सिर्फ वहाँ तक मिलता है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी हमें जहाँ तक ये स्फेयर आता है। फिर इस स्फेयर के बाद ना हमें इस पोटेंशियल की वैल्यू कोई मिलेगी नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो ज़ीरो मिल रही है। आगे जाके हम देखेंगे कि पोटेंशियल एक्चुअल में ज़ीरो नहीं होता, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है 1/e टाइम, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी आप लोगों ने समझना है कि हमने जैसे ही एक चार्ज को इंसर्ट किया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सारे नहीं, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतने इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द आके जमा हो जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, एक शील्डिंग बना लेते हैं। और फिर क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है इस चार्ज का वो हमें सिर्फ यहाँ तक मिलता है जहाँ तक इसकी शील्डिंग होती है, स्फेयर होता है, और उसके बाद उस स्फेयर के बाद हमें इसका पोटेंशियल कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये बाउंड्री सी बन जाती है ना, उसके बाद उसका असर ही नहीं होता, उसका पोटेंशियल का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है बाहर। जब इफेक्ट ख़त्म हो गया तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग, क्योंकि एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर लिया इसने। तो यहाँ पे हम जो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे थे वो पोटेंशियल जो है वो किसका पोटेंशियल था, अब यहाँ तक हमें पोटेंशियल मिलता है, उसके बाद यहाँ पे आके स्फेयर ने क्या कर दिया, पोटेंशियल को शील्ड आउट कर दिया, ठीक है। अब सेम इसी तरह अगर मैं नेगेटिव क्यू चार्ज इंसर्ट कर दूँ तो क्या होगा, प्लाज्मा में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आइंस होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, तो सारे के सारे आइंस, जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतने आइंस जो हैं यहाँ पे आके इसके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और क्या बना देंगे, एक ऐसे स्फेयर बना देंगे। अब इसकी वजह से जो पोटेंशियल है वो हमें यहाँ पे आके पोटेंशियल जो है, उस पोटेंशियल जो है उसका अफेक्ट सिर्फ इस स्फेयर के अंदर अंदर होगा, इसके यहाँ पे और इससे बाहर हमें इसका कोई अफेक्ट पोटेंशियल का नहीं मिलेगा। तो पोटेंशियल क्या हो गया, शील्ड आउट हो गया, ठीक है। तो एक हमें क्या चीज़ फाइंड करनी थी कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है उसके एक डिस्टेंस पे कहीं जाके हमें पोटेंशियल फाइंड करना था, मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी, एक चीज़ हमें क्या करनी है, ये फाइंड करनी है। दूसरी क्या थी, डिवाई लेंथ। अब डिवाई लेंथ क्या होता है कि जहाँ तक ये स्फेयर बनता है ना, ये पूरा स्फेयर, इसका जो रेडियस होता है इस पूरे डिवाई स्फेयर का, उसको हम क्या बोलते हैं, डिवाई लेंथ, डिवाई विथ या डिवाई लेंथ, ठीक है। इस लेंथ के बाद हमें कोई भी पोटेंशियल जो है उसकी, इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो हमें इस लेंथ के बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिवाई लेंथ बोलते हैं, या आप विथ ऑफ डिवाई स्फेयर भी बोल सकते हैं। तो हमें ये चीज़ एक फाइंड करनी है। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई ना, तो पूरे टॉपिक में सिर्फ यही चीज़ें हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो पूरी डिवाई शील्डिंग है, ये सिर्फ प्लाज्मा में देखी जाती है, दूसरे गैस, लिक्विड और सॉलिड्स में क्यों नहीं देखी जाती? तो उसकी वजह, उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या होते हैं, जैसे उनमें न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। गैस में हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं उसमें, इस तरह से जैसे प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आइंस हो गए, न्यूट्रल पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। मीन से प्लाज्मा हमारे पास क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इसमें। तो जब हम एक चार्ज को इंसर्ट करते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल्स इसके गिर्द आ जाते हैं। अब मैं जब गैस के अंदर या सॉलिड लिक्विड में डालूंगी एक चार्ज, तो इसमें तो चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं है जो इसके गिर्द आ सके। तो इसीलिए ये सिर्फ जो करैक्टरिस्टिक्स है डिवाई शील्डिंग वाली, ये सिर्फ जो है प्लाज्मा की करैक्टरिस्टिक्स है। अब आप लोगों को डिवाई शील्डिंग क्या होती है इसका कंसेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप हो गया होगा। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी कैन नॉट ऑब्जर्व इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, जिसकी वजह आप लोगों को बता चुकी हूँ। इट इज़ अ फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। सिर्फ प्लाज्मा के करेक्टरिस्टिक्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस की नहीं है। इट इज़ द एबिलिटी टू शील्ड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेट आर अप्लाइड, जो भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कर देता है, शील्ड आउट कर देता है, शील्डिंग बना के। नेक्स्ट ये बात कि फ्री स्पेस में पोटेंशियल ये होता है, तो प्लाज्मा में पोटेंशियल क्या होता है वो चीज़ हमें फाइंड करनी है, और डिवाई लेंथ फाइंड करनी है। अब डिवाई लेंथ क्या होती है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। डिवाई लेंथ क्या होती है, वो लेंथ जिसके बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा चार्ज का जो हमने अंदर इंसर्ट किया है, वो हमें उसका अफेक्ट ना मिले, उस लेंथ के बाद हमें अफेक्ट ना मिले, तो उसको हम बोलते हैं डिवाई लेंथ। तो लेंथ बियॉन्ड विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इंसर्टेड चार्ज इज शील्डेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा कॉल्ड डिवाई लेंथ, एंड दिस अफेक्ट इज कॉल्ड डिवाई शील्डिंग। तो डिवाई शील्डिंग की भी डेफिनेशन यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट हमें डेरिवेशन स्टार्ट करनी है।
हमने क्या ले लिया, दो चार्जेस ले लिए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और उनको क्या कर दिया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब अगर क्या है, अगर मैं पार्टिकल्स को इंसुलेट ना करूं, ठीक है, अगर पार्टिकल्स क्या करेंगे, प्लाज्मा की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको क्या करेगा, उन सारे प्लाज्मा के इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और क्या होगा, रिकम्बिनेशन होगी और उनको न्यूट्रलाइज़ करता जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी प्लाज्मा के पार्टिकल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, सारे यहाँ पे क्या होते जाएंगे, इसके साथ अट्रैक्ट करते जाएंगे और हमारे पास, और उनको न्यूट्रल बनाता जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो कर जाएगा। अब मुझे करंट नहीं फ्लो करवाना, और मैं नहीं चाहती कि प्लाज्मा की जो डेंसिटी है वो कम हो जाए, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे ये करता जाएगा, रिकम्बिनेशन होती जाएगी और यहाँ पे जो डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाएगी। सेम इसी तरह ये प्रोटॉन्स जो आयंस होते हैं उनको करता रहेगा और उसके आयंस की डेंसिटी को कम कर देगा। तो हमें प्लाज्मा के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी को कॉन्स्टेंट रखना है, इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इनको इंसुलेट कर दूँगी, ठीक है, ये मैंने इनको क्या कर दिया, इंसुलेट कर दिया। अब ये जो प्लाज्मा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। अब जब मैंने इनको इंसुलेट कर दिया तो ये प्लस चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट तो करेगा, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन तो होगी, प्लस और नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये इनको अट्रैक्ट करेगा लेकिन न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंसुलेशन का ये फ़ायदा हुआ है कि डेंसिटी एक तो प्लाज्मा की कॉन्स्टेंट रहेगी, करंट नहीं फ्लो कर पाएगा, ठीक है। सेम इसके भी यही है कि ये प्लस को अट्रैक्ट तो करेगा लेकिन न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हमने इंसुलेशन कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ तक पढ़ते हैं कि सपोज यू पुट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ प्लाज्मा बाय इंसर्टिंग टू चार्ज बॉल्स कनेक्टेड टू अ बैटरी, वी इंसुलेट द चार्ज बॉल सो डैट करंट डजेंट फ्लो और प्लाज्मा डेंसिटी रिमेन कॉन्स्टेंट। इफ़ वी डू नॉट इंसुलेट देन पार्टिकल्स रिकम्बाइन और प्लाज्मा डेंसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है, अभी तक हमने यहाँ तक किया। अब इसके बाद क्या होगा, प्लाज्मा में ये सारे कंपोनेंट्स हैं, चार्ज कंपोनेंट्स। अब ये प्लस वाले जो हैं ये सारे क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जमा हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे, जब तक वो उतने ना हो जाएँ जितने इस प्लस, जितना ये प्लस चार्ज है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर्द आएंगे, ताकि ओवरऑल क्यू नेट क्या हो जाए, इस वॉल्यूम का ज़ीरो आ जाए। तो आप लोग समझो कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द आके ऐसे जमा हो जाएंगे, और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितना इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अगर ये प्लस क्यू कूलम का दिया है तो प्लस, तो हमारे पास माइनस क्यू कूलम इसके गिर जमा हो जाएंगे, जितने जैसे ही उतने चार्ज आ जाएंगे जितना इसका मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू चार्ज का, तब हमारे पास ये क्या बन जाएगी, ऐसे स्फेयर बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, एक वॉल्यूम बन गया, ठीक है। अब वॉल्यूम एलिमेंट, और ये क्या है, पूरा प्लाज्मा, प्लाज्मा का कोई भी आप वॉल्यूम एलिमेंट उठाओ तो उसमें क्यू नेट क्या होना चाहिए, क्यू नेट ज़ीरो होता है। मैक्रोस जो कि हमारे पास प्लाज्मा की क्वाज़ी न्यूट्रल डेफिनेशन में हमने पढ़ा था लेक्चर वन में, कि अगर आप प्लाज्मा का कोई भी वॉल्यूम एलिमेंट उठाओ तो उसमें हमारे पास जो आइंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, ठीक है, मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से क्यू नेट क्या होता है, उसका ज़ीरो होता है। तो ये अपनी क्वाज़ी न्यूट्रलिटी को, करेक्टरिस्टिक्स को बरकरार रखता है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास क्यू नेट इसका क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। सिंपल सी क्या बात है, जितने यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, ताकि इनका नेट चार्ज क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। सेम इसी तरह जो हमारे पास ये वाले चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अब इसके इर्द क्या आ जाएंगे, उतने ही हमारे पास आइंस आ जाएंगे। कितने आइंस आएंगे, जितने मैग्नीट्यूड का ये नेगेटिव चार्ज है, जैसे ही उतने मैग्नीट्यूड जितना नेगेटिव हमने प्रोवाइड किया उतने का आ गया, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, स्फेयर बन जाएगा, जिसको हम डिवाइस स्फेयर बोलते हैं। अब जो लेंथ होती है इसकी वो क्या होती है, डिवाई लेंथ, और ये क्या है, डिवाई स्फेयर, ये भी सेम क्या हो जाएगा, डिवाई लेंथ, ठीक है। डिवाई लेंथ क्या है, जो इस रेडियस, इस स्फेयर का रेडियस है। अब जो इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है वो हमें सिर्फ इस लेंथ तक मिलता है, जितनी इस डिवाई लेंथ है ना, सिर्फ इस लेंथ तक मिलता है, इस लेंथ के बाद हमें इसका कोई इफेक्ट नहीं मिलता, यहाँ पे हमें कहीं पर भी इस चार्ज के पोटेंशियल का इफेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ तक मिलता है जहाँ तक ये स्फीयर होता है, मतलब पोटेंशियल जो है वो शील्ड हो जाता है। अब इस चीज़ को देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है। द बॉल वुड अट्रैक्ट द चार्जेस ऑफ ऑपोजिट नेचर, सो क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड सराउंड द पॉजिटिव बॉल एंड
चार्ज बॉल वर्ड यूज़ करो, ठीक है। एंड द क्लाउड्स ऑफ आइंस सराउंड द नेगेटिव चार्ज बॉल। आप लोग इसको अपनी वर्डिंग में और इजी भी लिख सकते हो। अब जब प्लाज्मा जो है वो कोल्ड है, तो कोल्ड प्लाज्मा का मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो कोई भी मोशन नहीं हो रही, कोई थर्मल मोशन नहीं है। जितने नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं क्लाउड में वो इक्वल है नंबर ऑफ चार्जेस इन बॉल। अब ये जो बॉल वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ये बॉल ये है, हमने चार्ज बॉल डाली हुई है, ठीक है। और ये जो क्लाउड है वर्ड, ये क्या है, ये पूरा जो बन गया है, इस पूरे को हम बोलते हैं क्लाउड। तो अगर कह रहे हैं कि अगर प्लाज्मा कोल्ड है, मीन्स हम टेम्परेचर को छेड़ ही नहीं रहे, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, तो टेम्परेचर नॉर्मल की वजह से क्या होगा कि जितने यहाँ पे चार्जेस हैं उतने ही चार्जेस यहाँ पे होंगे, ठीक है, तभी तो क्यू नेट ज़ीरो हुआ ना। और ये हमारे पास परफेक्ट शील्डिंग होती है, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, ये शील्डिंग तब तक होती रहती है, जैसे ही ये इक्वल होते हैं तब ये पूरी शील्ड बन जाती है। तो शील्डिंग तब तक होती है जब तक ये इक्वल ना हो जाए। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएँ, जितना इस चार्ज के, इस बॉल के अंदर चार्जेस हैं, उतने इलेक्ट्रॉन जब इसके गिर जमा हो जाते हैं तो एक शील्डिंग बन जाती है, और उसके बाद शील्डिंग रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि वो बन चुकी होती है। तो इस चीज़ को हम परफेक्ट शील्डिंग बोलते हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ ना करें, टेम्परेचर कोल्ड है, प्लाज्मा कोल्ड है, तो जितने इसके अंदर हैं इतने ही यहाँ पर हैं, और हमारे पास वो चीज़ क्या है, परफेक्ट शील्डिंग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यही लिखी हैं। परफेक्ट शील्डिंग क्या होती है, जब आपके पास आउटसाइड और इनसाइड ऑफ प्लाज्मा जो होगा पोटेंशियल सेम रहे, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल क्योंकि सेम था, तो इसीलिए इस चीज़ को हम परफेक्ट शील्डिंग बोलते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, प्लाज्मा अगर हॉट हो, तो तब क्या होगा, थर्मल एक्साइटेशन होगी। अभी हमने क्या कहा था, जब प्लाज्मा हॉट होगा तो जितने चार्ज यहाँ पे हैं बॉल के अंदर, उतने ही क्लाउड में होंगे, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा था, परफेक्ट शील्डिंग थी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें, तो थर्मल एक्साइटेशन हो गई, ठीक है, उसमें नहीं थी। अब जब टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से क्या होती है, थर्मल एक्साइटेशन होती है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं क्लाउड में वो कम रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये ऊपर ऊपर वाले टेम्परेचर बढ़ाने से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इससे दूर हैं, इस वाले बॉल से दूर हैं, ये क्या होगा, ये आपस में कोलाइड करेंगे। तो ये स्फेयर से क्या कोलाइड करेंगे, इतनी तेज़ कोलाइड करेंगे कि ये स्फेयर से क्या कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे आउट हो सकते हैं। जब ये बाहर चले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम रह जाएंगे, क्योंकि जो ऊपर ऊपर वाले हैं कोलाइड करेंगे, बाहर जाते जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कम रह जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फैलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, दूर दूर फैल जाएंगे। जब ये फैल जाएंगे तो हमारे पास ये जो साइज़ होगा ना, ये इस तरह से इंक्रीज़ कर जाएगा क्लाउड का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐसे साथ साथ क्राउडिंग हुई हुई थी, क्राउडिंग थी, तो जो दूर वाले थे वो बाहर चले गए। अब ये क्राउडिंग हट जाएगी, उनको जगह मिल गई ना, क्योंकि वो तो चले गए, तो ये ऐसे दूर दूर फैल जाएंगे और हमारे पास साइज़ जो होगा क्लाउड का बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा थर्मल एक्साइटेशन होती है, नंबर ऑफ चार्जेस इन क्लाउड इज़ लेस देन द साइज ऑफ, और फिर हमारे पास क्या होगा, और फिर जब वो कम हो जाते हैं तो फिर साइज़ जो होता है क्लाउड का बढ़ जाता है। और एज पे अगर हम क्लाउड के एज पे देख रहे हैं ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करके बाहर जा रहे हैं, जहाँ से, वहाँ पे जो थर्मल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, क्योंकि वहाँ से आउट हो रहे हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास क्या आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर जा रहे हैं ना, तो हमारे पास क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसको आगे हम देखेंगे। अभी हमने कहा कि थर्मल एनर्जी इक्वल होती है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, तो KBT इज़ इक्वल्स टू E φ। ये चीज़ हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की। यहाँ से मैंने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली, KBT ओवर E। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैं इस चीज़ को कांस्टेंट कहूँ, तो मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है 1/E। ये वो पोटेंशियल नहीं है जो हमें फाइंड करना है, पोटेंशियल तो हमें उस डिस्टेंस पर फाइंड करना है, लेकिन ये पोटेंशियल वो है। अभी मैं इसके बारे में बताती हूँ। अब ये चीज़ क्या निकल के आई है, अगर आप इस पर देखो, तो मैंने क्या कहा था कि जैसे ही हम यहाँ पे जितने चार्जेस हैं इसके गिर्द बन जाते हैं, शील्डिंग हो जाती है, तो शील्डिंग क्या करती है, पोटेंशियल जो इस चार्ज का था वो यहाँ पे आके हमें इस क्या मिलता है, फाई की वैल्यू ज़ीरो मिलती है, पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, पोटेंशियल क्या हो जाता है, शील्ड हो जाता है इस पूरी की वजह से। तो मैंने कहा था ना कि ये ज़ीरो एक्चुअल नहीं होता, तो हमें यहाँ पे क्या वैल्यू, इससे पता लगा कि वो ज़ीरो नहीं होता। हाँ, ये उसके पोटेंशियल की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देती है, डिवाइस शील्डिंग क्या कर देती है, पोटेंशियल जो हम अप्लाई करते हैं, जो इसको प्रोवाइड करते हैं, उसको शील्ड आउट कर देती है। कितना शील्ड आउट करती है, ज़ीरो नहीं करती, 1/E टाइम्स जो है वो शील्ड आउट करती है पोटेंशियल को। कितना कम करती है पोटेंशियल को, यहाँ पे आके पोटेंशियल स्फीयर पे पोटेंशियल कितना कम होता है, 1/E टाइम्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि पोटेंशियल कितना कम होता है, 1/E टाइम्स।
ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद हम कहते हैं कि चार्जेस जो हैं ऑन द सर्फेस ऑफ स्फीयर आर हार्ड टू एक्साइट, वेयर ऑन द सर्फेस ऑफ डिवाइस वेयर इजिली टू एक्साइटेड। ठीक है, अब हम क्या इस बात का क्या मतलब, अभी हमने कहा था ना कि जो दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर जो नज़दीक नज़दीक हैं उनको उन एक्साइट करवाना बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, आप टेम्परेचर बेशक इंक्रीज़ भी कर दो क्योंकि वो बहुत जुड़े हुए हैं। जुड़े क्यों हुए, क्योंकि ये प्लस और माइनस है ना, इनके दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन है कौन सी, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको यहाँ से मूव करवाना बहुत मुश्किल है। जबकि जो दूर इलेक्ट्रॉन है उनमें अट्रैक्शन थोड़ी सी वीक है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वापस में कोलाइड करते हैं और एक्साइट कर जाते हैं। तो हम वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, इस लेंथ के नज़दीक, इस डिबाई, ये जो आपके पास डिवाइस फेयर है ना, इसके पास पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ यही बात लिखी हुई है कि चार्जेस जो होते हैं सरफेस पे उनको मुश्किल होता है एक्साइट करवाना, जबकि जो डिवाइस फेयर के पास पास होते हैं हम उनको आसानी से एक्साइटेड करवा सकें, वो बाहर निकल जाते हैं आसानी से। जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाहर निकल जाते हैं तो ये पता लग गया ना, इसका साइज़ भी बढ़ जाता है, जब ये बाहर चले जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। इसीलिए अब इसकी डेरिवेशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की आगे से यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ किया है वो आप लोगों को पूरी वजह समझ आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, गॉसेस लॉ के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, रो हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी, ठीक है, उस वॉल्यूम के अंदर। अब ये हमारे पास क्या था, अगर प्लस क्यू चार्ज था, इसके इर्द गिर्द मैंने एक चार्ज प्लस क्यू ले लिया, उसके इर्द गिर्द क्या थे, नेगेटिव चार्जेस थे, एक स्फीयर बना था जिसकी लेंथ हमारे पास क्या थी, लैम्डा डी थी, और यहाँ पे आके हम कहते हैं कि शील्डिंग हुई, पोटेंशियल जो है वो शील्ड आउट हो गया, कितना हुआ, वन ओवर ई टाइम्स शील्ड आउट हुआ, ठीक है। अब ये वाली रो क्या है, ये रो है डेंसिटी जो कि इस वॉल्यूम के अंदर अंदर है। अब इस वॉल्यूम में हमारे पास पता है प्लाज्मा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयंस होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जो सारे सारे इलेक्ट्रॉन्स ही इसको आके करते हैं, नहीं, कुछ ना कुछ इसमें क्या होंगे, आयंस होंगे, बहुत कम होंगे, बहुत निग्लिजिबल होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है, साथ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी कुछ ना कुछ होंगे। तो हमने यहाँ पे डेंसिटी क्या लिखी कि हमारे पास जो डेंसिटी है वो सारे चार्जेस का सम ऑफ है जितने प्लाज्मा के अंदर है उन सब के। अब ये हमारे पास क्या बता रही है, ये मुझे बता रहा है कि चार्ज क्या है, और ये मुझे बता रही है कि डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो रो क्या हो गई, एक चार्ज इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ई, और उसकी डेंसिटी क्या हो गई, एन ई। सेम इसी तरह ये आयंस के लिए चार्ज है और ये उसकी डेंसिटी हो गई। सेम न्यूट्रल पार्टिकल जिसमें नहीं है तो उसकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और साथ में उसकी डेंसिटी एन एन हो गई। तो अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ डेंसिटी जो है वो क्या रह गई, इसका मतलब इसमें कुछ, इसमें साथ साथ कुछ ना कुछ आयंस भी हैं, तो ये मेरे पास दोनों आ गए। मैंने सबसे पहले आयंस वाली को लिख दिया, माइनस वाली को बाद में लिख दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन वन नेम दे दिया, इसको इक्वेशन टू दे दिया। अब इस डेंसिटी की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल इसको पुट कर दिया, पुट करने के बाद इसको इक्वेशन थ्री नेम दे दिया, ठीक है। इक्वेशन थ्री को मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, माइनस डेल वी के, वी को हमने फाई से रिप्लेस किया हुआ तो फाई लिख दिया, यहाँ पे हो गया फाई, और ये हमारे पास क्या हो गई। अब इस चीज़ को देखो तो ये क्या है, डेल स्क्वेयर फाई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पॉइजन इक्वेशन भी होती है ना, ठीक है। तो उसके डिटेल में मत जाओ, आपने सिंपल इसको इक्वेशन फाइव, इसको इक्वेशन सिक्स नेम दे दिया। अगर हम कहते हैं कि अब हमारे पास डेल जो है, वो डेल हमें पता है कि थ्री डायमेंशन में होता है, लेकिन वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा डी डिवाइड लेंथ कैलकुलेट करनी है, और डिवाइड लेंथ हमारे पास क्या है, हम एक डायमेंशन में भी ले सकते हैं, ठीक है, एक में भी तो ले सकते हैं ना। तो हमने सिर्फ क्या के ले लिया कि एक्स के अलॉन्ग ले लिया। तो यहाँ पर मैंने डेल को सिंपल क्या लिख दिया, एक्स के लिए, साथ में फाई आ गया, इज इक्वल्स टू ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, ई को मैंने कॉमन लेने के बाद, ठीक है। यहाँ से माइनस जब कॉमन लेंगे वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए दोबारा यहाँ से एन ई पहले आ गया। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, इसकी दोनों डेंसिटीज़ की वैल्यूज़ चाहिए ताकि मैं यहाँ पे पुट कर सकूँ। इक्वेशन सेवन नेम दे दिया, मुझे डेंसिटीज़ इनकी कैसे कैलकुलेट करूँगी। उसके लिए क्या होता है कि हम प्लाज्मा में हमारे पास आयंस की बात की है और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल्स इसमें अभी नहीं है। हम कहते हैं कि जो हमारे पास मैस ऑफ आयंस होता है, मैस आयंस जो होते हैं वो हैवियर होते हैं, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कम हैवी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मैस कम होता है, जिसका मैस कम होता है वो क्या कर सकता है, ज़्यादा मूव कर सकता है। इसलिए जो मोबिलिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो हाई होती है, आयंस मूव नहीं करते क्योंकि वो मैसिव होते हैं। अब क्या होता है, जब इसके एग्जांपल कैसे है कि जब आप लोग पिक्चर्स बना रहे होते हैं तो जब आप लोगों की पिक्चर्स अच्छी नहीं आती तो आप लोग ऐसे नहीं करते कि आप लोग बैकग्राउंड को मूव करवा लो, कि आप लोग ये नहीं कहते कि बैकग्राउंड को मूव करवा लेना चाहिए। आप लोग ख़ुद मूव कर जाते हो, मूव करके देखते हो तो पिक्चर अच्छी जहाँ पे आती है आप लोग वहाँ पे बना लेते हो, ठीक है। बैकग्राउंड मूव नहीं करते क्योंकि वो हैवी चीज़ है,
ठीक है, तो आप मूव कर सकते हो क्योंकि आप लाइट वेटेड हो, तो आप बैकग्राउंड को मूव नहीं करते अपनी पिक्चर्स अच्छी लाने के लिए। तो इसी तरह आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, तो वो बैकग्राउंड के तौर पे एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लाइट वेट होते हैं, इतने ज़्यादा मैसिव नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम डिवाइस फेयर, तो मोबिलिटी ऑफ, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ही वहाँ से मूव करके गए थे। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। आयन, इसीलिए जब आयंस मूव नहीं कर रहे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, आयंस की डेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है और इलेक्ट्रॉन्स की चेंज होती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से मूव भी तो कर गए थे ना, मूव आउट कर गए थे, एक्साइट कर गए थे, तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो चेंज होती है। तो आयंस की डेंसिटी को हमने क्या ले लिया है, कॉन्स्टेंट ले लिया, जैके एन इन्फिनिटी, ठीक है, आप एन नॉट भी पुट कर सकते हो, मैंने एन इन्फिनिटी पुट किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कैसे कैलकुलेट करूँगी, उसके लिए मैक्सवेल ने क्या किया था, बोल्ट्जमैन ने एक फार्मूला दिया था, और ये बोल्ट्जमैन का फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैक्सवेल ने इसके लिए एक फार्मूला दिया था बोल्ट्जमैन ने, कि एन इन्फिनिटी एक्सपोनेंट माइनस क्यू फाई ओवर के बी टी। अब चार्ज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी चीज़ सेम है, ठीक है। टी के साथ मैंने ई इसलिए लिख दिया कि ये इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर है। अब इस इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 को मैंने इक्वेशन 7 में पुट करना है, जब मैं 7 में पुट करूँगी तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें से अब हमने क्या कर लिया है, जो जिसमें टेम्परेचर इंक्लूड है ना, वो वाली टर्म ले ली है, क्योंकि प्लाज्मा में टेम्परेचर जो होता है मेन करेक्टरिस्टिक्स है प्लाज्मा की, ठीक है। तो अब टेम्परेचर अगर हम क्या कर, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है प्लाज्मा का, तो टेम्परेचर प्लाज्मा का हाई होता है, इसलिए चीज़ क्या होगी, लेस देन होगी, ठीक है, 1 के। यहाँ हम टेलर सीरीज़ यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास इसके इक्वल होती है, पूरी टेलर सीरीज़ है। यहाँ पे x हमारे पास, e हमारे पास, इस तरह e क्या होता है, एक्सपोनेंट, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, e फाई ओवर के बी टी, ई इज़ इक्वल टू 1 प्लस x की जगह इस ये चीज़ लिखी, 1 बाय जहाँ जहाँ x की जगह वो चीज़ लिखती, ठीक है। अब क्योंकि ये चीज़ बहुत 1 से लेस है, तो हम हायर टर्म्स को इग्नोर कर देंगे, हमारे पास सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास एक्सपोनेंट और इस पूरी की वैल्यू क्या आई, सिर्फ ये। अब मुझे इस दोबारा से इस पिछली इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास था एक्सपोनेंट, ये चीज़, इस चीज़ को मैंने एक्सलेट किया था, ठीक है। अब इस पूरी की जगह में उसकी वैल्यू पुट कर दूँगी, ठीक है, उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दे, बाकी चीज़ें सेम है। अब क्या होगा कि ये एन इन्फिनिटी इस एन इन्फिनिटी से कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा एन ओवर एप्सिलॉन नॉट, साथ में एन इन्फिनिटी भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ई ओवर एप्सिलॉन नॉट, ई फाई ओवर के बी टी ई आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ई स्क्वेयर एन इन्फिनिटी, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास डी ओवर डी एक्स की डायमेंशन क्या होती है, 1 ओवर लेंथ। तो मैं अगर इसको लिखूँ तो मेरे पास यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ क्या है, डिवाइड शील्डिंग में लेमडा डी, तो 1 ओवर लेमडा डी। अब इसके ऊपर स्क्वेयर है तो क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वेयर ओवर डी। तो इसकी डायमेंशन क्या है, ये, तो इसकी डायमेंशन ये, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब जो इसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन होगी, इसको निकाल के, ठीक है, ये पोटेंशियल है, इसी की डायमेंशन होगी, तो इसकी जो डायमेंशन है वही क्या होगी, इसकी डायमेंशन। तो मैंने इसकी, ये दोनों इसका मतलब क्या है, इक्वल हुए, इसकी डायमेंशन क्या है, ये, और इन दोनों की डायमेंशन इक्वल है, इसलिए ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या कर यूज़ कर सकती हूँ, इसकी पूरी ये यूज़ कर सकती हूँ, इसकी डायमेंशन। अब तो यहाँ पे क्या हो गया, फाई के अलावा मैंने कहा था ना, तो 1 ओवर लेमडा स्क्वायर डी ई, साथ में आके आ गया फाई। इसको इक्वेशन 10 दे दिया, ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन है, या आप लोगों ने याद करना है कि इसका सॉल्यूशन होता है ए ई एक्स ओवर लेमडा डी प्लस बी ई माइनस एक्स ओवर लेमडा डी। अब यहाँ पे अगर हम x को इन्फिनिटी पुट करें तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी इक्वेशन जो पोटेंशियल है वो डाइवर्ज कर जाएगा, हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, हमें अपनी सॉल्यूशन को फाइनाइट रखना है, तो फाइनाइट रखने के लिए हमारा ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ए को ज़ीरो पुट किया, इसका मतलब ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसमें हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है, बाउंड्री कंडीशन लगा के, सॉरी मैं आप लोगों को स्टार्ट में बाउंड्री कंडीशन बताना भूल गई, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को देखो ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप एक्स को क्या कर रहे हो, ज़ीरो पुट कर रहे हो, ठीक है, एक्स को ज़ीरो पुट करोगे, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड ही नहीं हुआ, यहीं पे हम कहीं हैं, ठीक है, हमने कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं किया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, पोटेंशियल फाइनाइट मिलेगा। कैसे पोटेंशियल फाइनाइट मिलेगा, अगर आप यहाँ पे ज़ीरो पुट करो, सॉरी इनफाइनाइट मिलेगा, कैसे, अगर आप यहाँ पे क्या पुट करते हो, एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे 1 ओवर ज़ीरो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो मुझे पोटेंशियल की जो वैल्यू है, पोटेंशियल फाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है,
इन्फिनिटी मिल रही है। सेम इसी तरह एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दो, ठीक है, यहाँ आप क्या कर दो, इनफाइनाइट वैल्यू पुट करो, एक्स की बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो क्या होगा, ये वन ओवर एक्स है, वन ओवर इन्फिनिटी डालोगे तो क्या मिलेगा, फाई की वैल्यू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन में है। लेकिन जब आप प्लाज्मा में बाउंड्री कंडीशन यूज़ करोगे ना, तो आप प्लाज्मा में ये चीज़ मैं आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगी भी कि यहाँ पे हमारे पास एक्स को जब हम ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एक इनफाइनाइट टर्म नहीं मिलती, कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमें पता हो, फाइनाइट एक कॉन्स्टेंट टर्म मिलती है हमें, ठीक है, तो हाँ ज़्यादा होता है लेकिन एक इनफाइनाइट नहीं हम कह सकते, ठीक है। सेम इसी तरह जब आप एक्स को ज़ीरो पुट करते हो तो तब आपके पास फाई ज़ीरो ही होता है, ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशन मैं बता रही हूँ इसके लिए। अब देखो आपके पास ये चीज़ क्या होती है, लैम्डा डी है, लैम्डा डी एक्स डिस्टेंस है, यहाँ से अगर आप देखो तो ये क्या है, पॉजिटिव में डिस्टेंस है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, नेगेटिव डिस्टेंस भी होता है, तो ये चीज़ आप लोगों ने पूरी बाउंड्री कंडीशन से यहाँ तक भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन अगर और ज़्यादा आपने डिटेल में पढ़ना है तो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे भी ज़ीरो होता है, और अगर आप एक्स को नेगेटिव इन्फिनिटी इधर भी डिस्टेंस कवर्ड करो तब भी आपको फाई की वैल्यू क्या मिलती है, ज़ीरो। तो आपने बेशक ये यूज़ करो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ये तो होती है, साथ आप ने लिखो सिर्फ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिख दो, फाई ज़ीरो होता है तो वो भी ठीक है, या पूरा ऐसे खोल के लिख लो तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाउंड्री कंडीशन यूज़ की कि जब हमारे पास एक्स ज़ीरो होता है तो हमारे पास फाई की वैल्यू क्या आती है, फाई नॉट होती है, तो यहाँ पे हमने एक्स को ज़ीरो पुट किया तो फाई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, बी, एक्स को ज़ीरो पुट किया, अब बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, फाई नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल किसके इक्वल हो गया, फाई नॉट ई माइनस एक्स ओवर लैम्डा डी, तो ये मेरे पास क्या है, पोटेंशियल जो मुझे फाइंड करना था, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट सम डिस्टेंस एक्स। अब या तो आप सिंपल इस तरह से लिख लो, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, इसके साथ मोड लिखा हुआ है, तो उसकी बताती हूँ कि मोड क्यों है। अगर आप फाइव की वैल्यू फाइव नोट हो गया साथ में आप, ठीक है, अब ये प्लस माइनस का कंसेप्ट समझो, अब एक्स के साथ क्या है, प्लस है और माइनस है, ठीक है, अब अगर आप एक्स को पॉजिटिव लेते हो तो उसका क्या मतलब है, ई पॉजिटिव एक्स ओवर लैम्डा डी ई, ठीक है, तो आपके पास बाउंड्री कंडीशन क्या है, ये तो आप एक्स की वैल्यू अब अगर आप पॉजिटिव लेते हो देखो कि बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एक्स की वैल्यू जीरो पे फाई की वैल्यू फाइन आउट है, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पे फाई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, ये हमें समझ लिया कि किस तरह से है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे क्या करो, एक्स की वैल्यू को ज़ीरो पुट करो तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो ई की पावर ज़ीरो वन हो जाएगा, फाई की वैल्यू क्या आ गई, फाई नॉट ही आ गई, तो हमारी बाउंड्री कंडीशन ये सही आ गई। अब अगर आप एक्स की वैल्यू का क्या पुट करो, इन्फिनिटी पुट करो तो ई की पावर इन्फिनिटी क्या देगा, इन्फिनिटी ही देगा, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें इन्फिनिटी मिल रही है, ठीक है, जबकि बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पे फाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज़ीरो आनी चाहिए, तो इसका मतलब कि एक्स इज इक्वल टू जब हम एक्स को पॉजिटिव पुट कर रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, तो नॉट सेटिस्फाइंग बाउंड्री कंडीशन। फिर एक्स की वैल्यू क्या करना है, नेगेटिव पुट करना है, तो यहाँ पर ई के साथ क्या आ जाएगा, माइनस एक्स लैम्डा डी ई, एक्स की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर ज़ीरो पुट करते हो तो फाई की वैल्यू क्या मिलती है, ई की पावर ज़ीरो हो जाएगा, फाई नॉट ही मिलेगा। मेन चीज़ ये देखनी है कि एक्स की वैल्यू को आपने जब इन्फिनिटी पुट किया है तो ई की पावर में क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ओवर, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, वन ओवर इन्फिनिटी, साथ में फाई नॉट है, तो वन ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो, तो फाई नॉट आ गया, वन ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, ज़ीरो, तो ये हमारे पास पूरी टर्म क्या हो जाएगी, फाई की वैल्यू ज़ीरो, तो इसका मतलब नेगेटिव वाली टर्म जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेगेटिव हमारा साइन आ रहा था उसके साथ, अब हमने मोड लगा दिया, मोड क्यों लगा दिया, ताकि ये क्या रहे, इस माइनस ही रहे, ठीक है, वरना इसके साथ मतलब ये प्लस नहीं है, ये मोड इसलिए लगाया ताकि जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो ये सिर्फ माइनस एक्स ही बने, ठीक है, मोड क्या शो करवाता है कि वैल्यू क्या पॉजिटिव है और ये नेगेटिव वाली नहीं है, हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू को क्या ले सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते, अगर मोड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू प्लस भी है माइनस भी है, तो माइनस अगर यहाँ पे आएगा तो माइनस माइनस अगेन प्लस बन जाएगा, तो पॉजिटिव वाली एक्स को एक्स कर ही नहीं रही, तो इस मोड ने क्या कर दिया, इस एक्स के साइन को प्लस माइनस के साइन को ख़त्म कर दिया और मोड लग गया, सिर्फ पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगी एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव ही इसको सेटिस्फाई कर रही है,
ठीक है, तो ये हमने एक क्या चीज़ फाइंड करनी थी, पोटेंशियल फाइंड करना था। अगर आपको कोई पोटेंशियल फाइंड करने के प्लाज्मा में एक सम डिस्टेंस पे एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, तो ये होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हमारे पास देखें फ्री स्पेस में, हमने ये चीज़ देखी थी कि हमारे पास जब हम इन्फिनिटी पुट कर रहे थे एक्स का, तो हमारे पास फाइव जीरो दे रहा था, और एक्स की वैल्यू जब हम जीरो पुट कर रहे थे तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आ रही थी। और उसका ग्राफ अगर हम देखें तो पोटेंशियल जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस के, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या था कि हमें फाइव की पोटेंशियल की वैल्यू जो थी एक इन्फिनिटी से शुरू हो रही थी, ठीक है। एक्स जब एक्स जो है वो जीरो है, यहाँ एक्स जो है जीरो है ना, तो हमें क्या मिल रहा था, इन्फिनिटी से मिल रहा था। फिर हम डिस्टेंस क्या बढ़ाते रह गए, तो फाई की वैल्यू क्या, पोटेंशियल क्या होता रहा, कम होता रहा, कम होता रहा, कम होता रहा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्लोली डिक्रीज़ करता है, ये जो पूरा फंक्शन है स्लोली डिक्रीज़ हो रहा है। जबकि प्लाज्मा में हमने एक चार्ज की वजह से एक डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल आया था उसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, पहले हमें नहीं पता था। वो इक्वल होती है फाइ इज़ इक्वल टू फाइ नॉट ई मोड ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि ये एक्स को हमें नेगेटिव ही रखना है, लैम्डा डी ई। अब इसमें क्या होता है, हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, जब हम एक्स को जीरो पुट करते हैं, तो अगर आप यहाँ पे देखो एक्स को जीरो पुट करके देखो तो हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहा, ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट नहीं आ रहा, फाइनाइट वैल्यू होती है इसकी, इसकी क्या होती है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है, फाइनाइट होती है। तो मतलब जब हम एक्स को यहाँ पे ज़ीरो पुट करें तो हमें एक, ये तो शुरू हो रहा था ना इन्फिनिट, ऊपर से ग्राफ शुरू हो रहा था, ये ऊपर से शुरू नहीं होगा, ये एक फाइनोट से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। फाइनोट से शुरू हुआ, फिर डिस्टेंस बढ़ाते गए बढ़ाते रहे, फाई की वैल्यू क्या होती रही, कम होती रही, एटलीस्ट एट द एंड आके क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे ये फाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वन एवर ई के पावर एक्स, ठीक है। जब ई के पावर में आती है ना तो वो चीज़ बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ करती है, ठीक है, तो ये फास्टली डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये चीज़ भी देख ली। देन हमारे पास एक चीज़ एंड पे रह गई है, डिवाइड लेंथ या डिवाइड विथ कैलकुलेट करना। अगर अब यहाँ पे देखो तो हमने इसकी डायमेंशन को लिखने के बाद क्या लिया था, इस चीज़ को इसके इक्वल लिया था, ठीक है। तो ये वन आवर है, इसको लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यहाँ से हमने लैम्डा डी की पूरी वैल्यू लिख दी, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू थी, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पे अंडर रूट आ गया। अब लैम्डा डी यहाँ पे क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती है, ये सारी कांस्टेंट है, बाहर ले लो टी ओवर एन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिवाइड विथ डिपेंड ऑन टेम्परेचर और नंबर डेंसिटी ऑफ प्लाज्मा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये लैम्डा डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, अगर आप विथ बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर नंबर ऑफ डेंसिटी जो है वो बढ़ गई है तो विथ हमारे पास क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो वो क्लोज 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 होंगे और विथ कम होगी। ये हमने देखा भी था ना कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट कर गए थे, जब एक्साइट कर गए थे तो इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए थे लेकिन हमारे पास जो क्लाउड था वो बढ़ गया था, ठीक है। तो वही इस तरह से था, इनका इन्वर्स रिलेशन था। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखोगे तो डायरेक्ट रिलेशन था, थर्मल एनर्जी जब टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होता है, थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उतनी ही तेज़ी से जो जिस भी चीज़ का आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उतनी तेज़ी से मूव करने लग जाता है, तो वेलोसिटी क्या होती है, इसका मतलब बढ़ जाती है, थर्मल एनर्जी बढ़ती है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे विल बी एट डिस्टेंसेस, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड विथ जो थी वो बढ़ गई थी, हमने पूरी देखी भी है कि जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाया था तो दूर वाले इलेक्ट्रॉन थे वो एस्केप कर गए थे, तो हमारे पास नंबर इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए थे, जब इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए थे तो वो फैल गए थे दूर दूर, और हमारे पास क्लाउड की विथ जो थी वो बढ़ गई थी। और जब क्लाउड की विथ बढ़ जाती है ना तो शील्डिंग हमारे पास स्लो होने लग जाती है, ठीक है। और ठीक है, अभी हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए थे तो हमारे पास ये जो विथ थी बढ़ गई थी। सेम इसी तरह अगर हम दूसरा देखें कि अगर हम क्या करते हैं, नंबर डेंसिटी को बढ़ाने लग जाए तो हमारे पास क्या होगा, लैम्डा डी विथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारे पास शील्डिंग जल्दी हो जाएगी। तो ये एक, अगर पूछा जाए कि हम क्या चीज़ शील्डिंग को इन्हेंस कर सकती है, तो हम नंबर डेंसिटी बढ़ाने से शील्डिंग जो है वो इन्हेंस हो सकती है। सेम इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तब भी शील्डिंग जो है वो ज़्यादा हो सकती है। प्लाज्मा के पैरामीटर पढ़ने से पहले हमारी एक चीज़ रह गई है, और वो ये कि अभी हमने कहा कि हमारे पास वन ओवर ई टाइम्स जो है पोटेंशियल शील्ड आउट हो जाता है। वन ओवर ई टाइम किसके शील्ड होता है, अब वो चीज़ हमें देखनी है। हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, फाई इज़ इक्वल्स टू फाई नॉट ई माइनस एक्स ओवर लैम्डा डी, ठीक है, ये पोटेंशियल आया था। अब अगर हम क्या कर दें, इस पोटेंशियल में एक्स की वैल्यू जो है वो लैम्डा डी,
ठीक है, मीन्स के विथ हमारे पास कितनी है लेमडा डी, अगर हम ये चीज़ के इसमें पुट करें तो लेमडा डी और लेमडा डी क्या हो जाएंगे, अगर मैं इसकी जगह लेमडा डी पुट करूँ तो कैंसिल हो जाएंगे, ई के पावर क्या बन जाएगी माइनस वन। तो मेरे पास फाई इज इक्वल टू फाई नॉट माइनस फाई नॉट ई की पावर माइनस वन को मैं नीचे वन ओवर ई लिख दूंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो पोटेंशियल जो है वो वन ओवर ई टाइम शील्ड आउट हो रहा है टू इट्स अपने मैक्सिमम के, ठीक है। तो एक्चुअल में जो डिवाइड लेंथ है ना उसकी डेफिनेशन ये आई है कि ये क्या करता है कि पोटेंशियल को डिक्रीज करता है वन ओवर ई टाइम्स टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यहाँ तक डिवाइड लेंथ तक पोटेंशियल जो होता है होता है, फिर उसके बाद इस डिवाइड लेंथ जैसे ही ख़त्म होती है ना डिवाइड लेंथ के बाद पोटेंशियल, अभी हमने जब ग्राफ बनाया था उसमें हमने क्या कहा था कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई की पावर, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो डिवाइड लेंथ है वो क्या होता है, उस डिवाइड लेंथ के बाद पोटेंशियल एकदम से क्या करता है डिक्रीज़ होने लग जाता है, डिवाइड लेंथ के बाद डिक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ होने के बाद किस वैल्यू से डिक्रीज़ करता है, इस वैल्यू के साथ डिक्रीज़ करता है, ठीक है। ठीक है, तो अब ये जो है मेजर डेफिनेशन है डिवाई लेंथ की या डिवाई विथ। अच्छा, अभी उससे पहले आप लोग कहोगे कि हमने डिवाई लेंथ को पढ़ा था, वो स्टार्ट में पढ़ा था कि द लेंथ, वो हमने क्यों वो डेफिनेशन पढ़ी थी, क्योंकि तब तक हमें नहीं पता था कि डिवाई लेंथ क्या होता है। जब हमने सारा पढ़ लिया हमने उसमें लिखा था इनकम्प्लीट वर्ड्स, क्या लिखा था कि द लेंथ बियॉन्ड विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इंसर्टेड चार्ज इज शील्डेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा कॉल्ड डिवाइड लेंथ। हमने कहा था वो लेंथ जिसके बाद पोटेंशियल क्या होता है शील्ड हो जाए, उस लेंथ के इस लेंथ के बाद ही पोटेंशियल क्या होता है शील्ड होता है ना, तो वो लेंथ जिसके बाद पोटेंशियल शील्ड हो जाए पार्टिकल्स ऑफ प्लाज्मा की वजह से वो हमारे पास होती है डिवाइड लेंथ। कितना शील्ड हो जाए वो हमें नहीं पता था, तो वो चीज़ अब हमें पता लग गई है कि जो डिवाइड लेंथ वो डिस्टेंस है एट विच वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विच वी इंसर्टेड डिक्रीजेस या शील्डेड वन आवर ई टाइम्स टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्या कितने टाइम्स हुई है, फाई इज इक्वल्स टू फाई नॉट ओवर ई, और ये बता चुकी हूँ मैं कैसे आया कि जब हमने एक्स को लेमडा डी लिया, पीछे आप लोग देखो तो वो आप लोग पूरी डेरिवेशन इसमें कर देना, मेरे पास अभी जगह नहीं है। तो डिक्रीजेज वन ओवर ई टाइम्स टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो लेमडा डी क्या है, वो लेंथ है जिसके बाद एक्सटर्नल पोटेंशियल जो हमने दिया था ना, जो चार्ज जिस चार्ज का हमने पोटेंशियल दिया था वो डिक्रीज़ कर जाता है बहुत तेज़ी से, लेमडा डी तक नहीं डिक्रीज़ करता है, उस लेंथ तक डिक्रीज़ नहीं करता, उसके बाद एकदम से डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। कितना डिक्रीज़ करता है, वन आवर ई टाइम्स टू इट्स मैक्सिमम पुट, ठीक है। ये चीज़ें ये जो मैंने करवाई थी ना कि एक्स को लेमडा डी लिया ई की पावर माइनस वन हो गई थी, ये चीज़ आप लोगों ने इसके साथ लिख लेनी है। अच्छा, जब हमने इसमें लिखा था ना तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर हम प्लस इन्फिनिटी लेते हैं तब भी, और अगर हम डिस्टेंस में नेगेटिव की तरफ चलते हैं तब भी फाई क्या होता है ज़ीरो आता है, बाउंड्री कंडीशन में आप लोगों को बताया था। तो इसकी अब क्या उस डायग्राम जो बनेगी वो क्या होगी, जब हमारे पास x जो है वो ज़ीरो है, यहाँ पे x एक्सिस होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है पोटेंशियल होता है। अब क्या होगा कि जब हमारे पास ज़ीरो है तो ये एक कांस्टेंट, ठीक है, x ज़ीरो है तो कोई वैल्यू मिल रही है फाई नॉट, और उसके बाद हम जब x को बढ़ाते जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो रहा है ज़ीरो हो रहा है। देन इसके बाद यहाँ पर भी डिस्टेंस x और नेगेटिव साइड पर अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर भी क्या होगा ज़ीरो हो जाएगा, और ये क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड, पॉजिटिव वाली साइड है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल है ना बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स है, और अभी हमने पढ़ा ना कि जो डिक्रीज़ हो रहा होता है ये पोटेंशियल जो डिवाइड लेंथ के बाद एकदम से डिक्रीज़ होता है वो क्या होता है वन ओवर ई टाइम्स टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ डिक्रीज़ हो रहा होता है। सेम इसी तरह अगर आप यहाँ पर भी देखो ना तो ये हमें दिखेगा कि ये वन ओवर ई टाइम्स टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू के साथ डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लाज्मा पैरामीटर। प्लाज्मा पैरामीटर एक्चुअल है क्या, प्लाज्मा पैरामीटर है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या होता है कि जो हमारे पास चार्ज था, ठीक है, इसके गिर्द एक स्फेयर बना हुआ था, किसने बनाया था इलेक्ट्रॉन से बनाया था, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने इस, ठीक है, चार्ज को क्या कर दिया था इसको शील्ड कर दिया था। तो नंबर प्लाज्मा पैरामीटर क्या है, यही नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो इसको क्या कर रहे हैं शील्ड कर रहे हैं, ठीक है, जो इसको शील्ड करें और शील्ड करें कि इसका पोटेंशियल यहाँ पे हमें क्या मिले वन ओवर ई टाइम्स टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये जो डिवाइस फेयर बना है ना इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने इसको शील्ड किया है, तो यही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं प्लाज्मा के पैरामीटर्स,
और प्लाज्मा पैरामीटर को हम कैसे लिखते हैं, एन डी से। ठीक है, अब डेंसिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर वॉल्यूम, तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर वॉल्यूम। ओके, एंड अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही एक्चुअल में प्लाज्मा के पैरामीटर है ना, तो मैंने कहा था ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स ही क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्लाज्मा के पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने एन नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह क्या लिख दिया, एन डी, और नीचे वॉल्यूम। मुझे एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एन डी की, तो एन और वी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये फोर ओवर वॉल्यूम क्या होता है, फोर ओवर थ्री पाई आर क्यूब, रेडियस क्या है लेमडा डी, लेमडा डी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन डी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्विंग इन डिवाइस शील्डिंग। यहाँ पे डिवाइस शील्डिंग कौन से बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कौन से ना हमारे पास प्लाज्मा के पैरामीटर के हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ना इसका, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे पास प्रॉब्लम्स करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा ये टॉपिक हो गया, आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे, टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप लोगों ने, और आसानी से समझ भी आ गया होगा। नहीं आया तो एक दफ़ा और वीडियो को देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा सारा, इतना मुश्किल नहीं था। एक चीज़ रह गई है इसके बारे में, वो ये है कि हमारे पास, कि आपके पास ये जो डिवाइस शील्डिंग का पूरा कंसेप्ट है ना, ये आप लोगों को तब नहीं दिखेगा, ये वैलिड ही नहीं होगा, अगर क्या हो कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, क्योंकि जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स इसके गिर जाएंगे, जब इसका मैग्नीट्यूड ही कम है तो कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो जब आए ही एक दो इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ इसके गिर्द आए, ठीक है, ऐसे एक दो इलेक्ट्रॉन आया तो इतना सा स्फेयर बनेगा, तो ये तब डिवाइस शील्डिंग वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका लैम्डा डी ही बहुत स्मॉल होगा, ठीक है, निग्लिजिबल होगा, स्मॉल होगा, तो उसके लिए वैलिड नहीं है। आपके लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बनना चाहिए वो बहुत ज़्यादा बनना चाहिए, उसमें इनफ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होने चाहिए आपके स्फेयर में या क्लाउड में, तब आप लोग, आपका ये जो डिवाइस शील्डिंग होता है ये वैलिड होगा। ठीक है, तो इसलिए नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की कॉन्ट्रीब्यूशन जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, जिसको हमने नंबर ऑफ़, और उसी जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की स्फेयर में, तो वही हमारे पास क्या होती है, ये प्लाज्मा का पैरामीटर एन डी। ठीक है, तो इसलिए हम एक आइडियल प्लाज्मा के लिए हमारे पास जो एक एन डी होता है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर ग्रेटर वेरी वेरी ग्रेटर होना चाहिए वन के लिए। ठीक है, तो आइडियल प्लाज्मा में एक ये चीज़ होती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा ये उतनी ज़्यादा डिवाइस शील्डिंग होगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।